गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मजे में? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सभी पहली कक्षा में हो, ठीक है? तो आज हम कुछ नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं। तो उसमें से हमारा पहला वर्ण है दो। कौन सा वर्ण है हमारा? दो। दो से दवा, दवा यानी कि इंकॉट, जिसमें हम इंक रखते हैं, स्याही रखते हैं, ठीक है बच्चों? और हमारा दूसरा वर्ण है ध। ध से धनुष, इस प्रकार धनुष होता है, ध से धनुष, ठीक है बच्चों? टेक्स्ट बुक जो है हमारी, हाँ वो बुक, इस पे आप देखोगे तो इसमें आपको यह द से दर्जी, द से दवा, इस प्रकार द वर्ण से कई सारे शब्द आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी जो है वो कपड़े सी रहा है, ठीक है, वो सिलाई कर रहा है कपड़ों की, हाँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्जी, ठीक है, हाँ। तो द से दर्जी, दर्जी यह भी शब्द की शुरुआत होती है। द से दवा, द से दर्जी, और द से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, जैसे कि द से दशहरा, हाँ, द से दरवाजा, ठीक है बच्चों? और द से आता है दावत, द से दावत, द से दुकान, द से दवा, यानी कि द वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो अभी हम देखेंगे द से दर्जी, ठीक है? तो चलो बोलो मेरे साथ, द से दर्जी मशीन चलाता, नई नई पोशाकी बनाता। तो दर्जी क्या करता है बच्चों? हाँ, दर्जी कपड़े बनाता है, कपड़े सीता है, ठीक है, वो सिलाई का काम करता है। द से दर्जी मशीन चलाता, नई नई पोशाकी बनाता, ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? द यह वर्ण अच्छे से आपको लिखना है, हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं वह आपको पेंसिल से इसको जोड़ना है, हाँ। और यहाँ पे आपको अच्छे से इस इंपॉट को, इंपॉट यानी ही दवा होती है, ठीक है, इंपॉट इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हम हिंदी में दवा कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है? रंग भरना है, आपको इसमें अच्छे से रंग भरना है, हाँ। और द वर्ण यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? बहुत ही आसान है ना? हाँ। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला वर्ण, तो वो है ध से धनुष। तो ये जो धनुष होता है, रहता है, ये जो धनुष है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? हाँ, जब महाभारत, रामायण ऐसे जब सीरियल हम टीवी पे देखते हैं, हाँ, तो उसमें जो अर्जुन रहता है या श्री राम रहते हैं उनके हाथों में इस तरह का हम धनुष देखते हैं, ठीक है, थीके? तो ये ध से धनुष। तो बोलो मेरे साथ, ध से धनुष श्री राम ने तोड़ा, और शान से अपने, और शान से अपने से सीता जी को जोड़ा। इस प्रकार श्री राम जी ने क्या किया? धनुष तोड़ा, और क्या किया? सीता जी से अपने रिश्ता उन्होंने जोड़ा, यानी कि सीता जी से उन्होंने ब्याह कर लिया, ठीक है। तो उसकी एक कहानी है, हाँ, तो वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ध से धनुष यह शब्द की शुरुआत होती है। तो आपको यहाँ पे ध वर्ण अच्छे से लिखना,
पे जो धनुष का जो यह प्रत्यंचक कहते हैं इसको, यह जो है ये आपको अच्छे से जोड़नी है और यहाँ पे आपको ध वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? ध वर्ण। ठीक है तो बच्चों अभी देखो ये ध वर्ण से सिर्फ धनुष एक ही शब्द तैयार होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ध वर्ण से देखो ध से धनी यानी कि जिसके पास बहुत सारी संपत्ति रहती है उसको हम बोलते हैं धनी। हाँ तो वो धनी शब्द भी तैयार होता है ध से धन यानी कि संपत्ति। ध से धन बहुत सारे गहने बहुत सारे पैसे रुपए यानी कि धन। ठीक है तो धनी धन ये शब्द भी ध वर्ण से ही शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ और एक शब्द तैयार होता है कौन सा? हाँ धागा। धागा यानी कि जिसको मराठी में हम दोरा कहते हैं, हाँ अंग्रेजी में हम थ्रेड कहते हैं और हिंदी में इसको हम धागा कहते हैं। तो इतने सारे शब्द ध वर्ण से शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों तो आपको अभी क्या करना है? हाँ आपको द वर्ण और ध वर्ण इन दो वर्णों की अच्छे से लिख लिख कर लिखते समय बोल बोल कर अच्छे से ये वर्ण आपको लिखने हैं। ठीक है और इसके साथ हमारी ये जो वर्कशीट है हाँ वो भी आपको अच्छे से पूरी करनी है। और जो बच्चे ये सब पढ़ाई अच्छे से करेंगे इनको मैं देने वाली हूँ, क्या देने वाली हूँ मालूम है आपको? हाँ मैं उनको देने वाली हूँ बड़ा स्टार। हाँ तो आपको सभी को बड़ा स्टार चाहिए? हाँ बच्चों सभी को चाहिए है ना। हाँ तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो और सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों धन्यवाद।